नमस्कार, मैं साक्षी अमन इस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। राजस्थान, शुरू हो गई कर्ज माफी, दो चरणों में माफ होंगे कर्ज। राजस्थान में किसान कर्ज माफी के शिविर शुरू हो चुके हैं। शुरुआती दौर में 16 लाख किसानों का ऋण माफ करने की योजना है। ये सब वो किसान होंगे जिन्होंने सरकार समितियों से ऋण लिया है कृषि के लिए। पिछले वसुंधरा सरकार ने भी 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन सिर्फ 50,000 तक ऋण। गहलोत सरकार ने इससे आगे बढ़ते हुए 2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा की है। बच्ची की शादी के लिए, कुछ बच्चे की पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई के आजकल हाई हो गई, पढ़ा नहीं पाते। खेती फायदे का सौदा नहीं है और उन्हें लगता है कि उनके माथे से बाकी कर कभी भी पूरी तरह से नहीं उतर पाएगा। बताया था कुछ बच्ची की शादी के लिए, कुछ बच्चे की पढ़ाई के लिए, क्यों पढ़ाई भी आजकल हाई हो गई, पढ़ा नहीं पाते। फिर अनाज भी मोल जाते, पैदा होती नहीं। आप ऋण चुका सकते हो क्या? क्यों नहीं चुका सकते? पैदा ही नहीं है। 500 रुपये रोज रोज नोटिस आते हैं, मैनेजर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भाई देंगे अब वैसे दे क्या, कागजा काट के देते। फिर आपकी जमीन बेचनी पड़ेगी। पहले फेज में गहलोत सरकार ने 16 लाख किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ करना शुरू कर दिया है, लेकिन 16 लाख से ज्यादा किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले लिया है। ग्रामीण बैंक से उनके साथ में हमारे अधिकारी की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई व्यापारी या कोई उसका जब एंट्री होता है तब भी बैंक वाले और कम्युनिस्ट पार्टी बैठ के बात करती है कि कितना हम लोग ब्याज कम करें, कैसे मूल्य चुकाने कैसे करें, जो भी करना होगा वो कम्युनिस्ट बैंकों के साथ बातचीत करने बात करना होगा। 2 लाख तक का हमने वादा किया है जिनके एंट्री होंगे उनके लिए। लेकिन किसान कहते हैं कि ऋण माफ करने से तो बेहतर है कि उनकी उपज का सही मूल्य उन्हें मिले। 1300 रुपये क्विंटल खाद मिल रही है जो मानी है 3000 रुपये क्विंटल, तो मार्केट प्राइस हो जाए तो मानी 50 किलो खाद आ गई तो मार्केट का घट होगा पता ज्यादा करो जमा किया करा लगा खाद कितनी चाहिए। खाद तो हर बीघा के मानी एक कट्टो तो दाए को और बीघा के मानी 2 बोरी बाजराई को तो वो तो बाप भी खाद नहीं खत्म होगा, वो सारी दुआई दुआई पानी सारा ही समझ गए थे। सारी 2 रुपये किलो टमाटर बिकी है तो बीघा 20 का पैसा ही बना रही है का बार। अरे दूध बेचने कोई गाय भैंस कहाँ 18 रुपया 17 रुपया किलो दूध बिकनी जमा को 20 रुपया और पानी की बोतल में 20 रुपया। जाहिर है किसानों की समस्याओं का हल ऐसे ऋण माफी शिविरों से नहीं होने वाला है। कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए नई नीति की जरूरत है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।